तो बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीचर्स हमेशा देते हैं अपने एग्जामिनेशंस में, और ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आईसीएसई क्लास 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। देखो जब मैं क्लास में था तो मेरे से तो हुआ नहीं था ये, पर बाकी मैं बाद में मुझे टीचर से मैंने पूछा था तो मुझसे हो गया था ये। तो देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, देखो कितना ईजी क्वेश्चन है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2m, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, और मैंने सेकेंड इक्वेशन को ले लिया, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, इस पे ना मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अब हमें कुछ जुगाड़ भी करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई बाय m बोथ साइड, बोथ साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एम करना पड़ेगा इस सेकेंड इक्वेशन है, इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू m इंटू m, है ना। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों कितना, एक्स एम प्लस वाई एम इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। तो देखो ये मेरी इक्वेशन आ गई, कौन सी, थर्ड इक्वेशन आ गई है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो बच्चों जब मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ तो ध्यान से देखिए, मेरी ये मेरी थर्ड है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब बच्चों मुझे करना क्या है, ध्यान से देखिए, मुझे करना है, अब मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। अब इस थर्ड से मुझे इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, एक्स एम प्लस वाई एम इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाया और ये पूरा लिख दूंगा मैं, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, अब ये माइनस इस पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस इस पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये पूरा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, देखो ये पूरा कट जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव है, पूरा कट गया। ये हो जाएगा बच्चों कितना, वाई एम प्लस वाई एन इक्वल्स टू, और बच्चों ये 2m है, 2m में से एक m माइनस किया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, और 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर गया तो m स्क्वायर माइनस n n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये मेरा सब्सट्रैक्ट कर कर आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, y कॉमन है, तो मैं m प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर माइनस n n एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। ये बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, तो वाई हो जाएगा एम प्लस एन इक्वल्स टू एम प्लस एन, और एक हो जाएगा एम माइनस एन, एम प्लस एन से एम प्लस एन गायब, और वाई हो जाएगा मेरा एम माइनस एन। तो देखो बच्चों मेरा वाई आ चुका है एम माइनस एन, अब वाई मेरा एम माइनस एन आ चुका है। अब मैं इस सेकेंड इसी इक्वेशन में, जो मेरी कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी, इसमें मैं वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो मेरा एक्स भी आ जाने वाला है, तो मैं इस पे वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखिए वाई मेरा कितना था बच्चों, एम माइनस एन था, ठीक है। और अब इस वाई की वैल्यू मैं देखो कहाँ पे पुट करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 2m स्क्वायर। मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, देखो हो जाएगा m एम एक्स प्लस एम वाई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, एम माइनस एन इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं कर लेता हूँ इसको, तो ये देखो बच्चों इसको करा जाए। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये एम स्क्वायर है पॉजिटिव का, मैं इसको इधर फेंक दूंगा, तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस एम एन इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस एम एन इक्वल्स टू हो जाएगा एम स्क्वायर, और बच्चों देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एम कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल आउट। अब मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स हो जाएगा बच्चों
ये इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम प्लस एन। तो देखो एक्स भी मेरे आ चुका है और मेरा वाई भी आ चुका है और मेरा आंसर हो चुका है कंप्लीट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बड़ा बड़े इजी वे में मैंने इसको सॉल्व किया है ना। इसका अब सेकेंड पार्ट करते हैं।